नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुला मेहरा YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। मक्कू बर्फ की डिमांड पूरी करने के बाद बच्चों ने फरमाइशें शुरू करी हैं काला खट्टा गोला की। तो आज मैं आपको काला खट्टा गोला की रेसिपी बताने जा रही हूँ। तो आइए चलते हैं मेरी रसोई में। इसके लिए मैंने सिरप तैयार कर लिया है। मैंने ज्यादा सिरप नहीं लिया है। एक कप चीनी ली, आधा कप पानी से मैंने इसे सिरप, जैसे शरबत का बेस तैयार करते हैं वही रूप में तैयार किया है। इसे मैं इसमें एक कांच के गिलास में ही पलट के रख दे रही हूँ, जिससे आपको ट्रांसपेरेंट गिलास होने से साफ साफ रंग नजर आएगा। बात काला खट्टा गोला की है तो काला रंग तो जरूर चाहिए। यूं तो काला रंग बाजार में अवेलेबल है लिक्विड फॉर्म में, पर जब हमारे पास और रंग है जिनका प्रयोग करके हम काला रंग बना सकते हैं, तो क्यों ना हम उसी तरह से काला रंग बनाते हैं। तो देखिए, मैंने हरा और लाल सूखा रंग लेके इसे एक चम्मच पानी में घोल के तैयार किया है, जिसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना बढ़िया काला रंग तैयार हुआ है, जो कि मैं काला खट्टा सिरप बनाते समय प्रयोग करने वाली हूँ। अब मैं इस काले खट्टे को जो रंग तैयार किया है, इसमें लिक्विड में जो चाशनी तैयार की है मैंने, उसमें मिला दिया मैंने। इसमें मैंने थोड़ा सा काला नमक डाला है, थोड़ी सी काली मिर्चा डाली और थोड़ा सा लिया है भुना हुआ जीरा। काली मिर्चा और भुना जीरा, जो कि मैं घर में पीसती हूँ, बहुत बारीक मिक्सी में कभी नहीं पीस पाता है, तो बच्चों के मुंह में ना आए तो मैंने इसे मलमल के कपड़े से या चाय की छन्नी से भी आप छान सकते हैं। बिल्कुल बारीक, देखिए कैसे पाउडर की तरह से है, ये देखिए बिल्कुल कितने अच्छा फाइन पिसा हुआ है। तो मैंने इस तरीके से बच्चों का ध्यान रखते हुए इसको छान लिया है। और बात खट्टे की है तो खट्टे के लिए हम बाद में नींबू भी डाल सकते हैं, नींबू का जूस, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सिट्रिक एसिड, आप टाटरी भी ले सकते हैं, इसमें मिलाया और हम इसे अच्छे से इन सब चीजों को मिला लेंगे। ठीक है, हल्की सी खुशबू भी आने लगी है। तो काला खट्टा के लिए हमारा ये अच्छा सा सिरप तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे गोला। काला खट्टा गोला बनाने के लिए मैंने ये बर्फ को मिक्सी में पीस लिया है। इसके लिए चाहिए होगी ऐसी तीलियां, आप कांटे का प्रयोग या आइसक्रीम स्टिक का भी प्रयोग करेंगे। पकड़ बनाने के लिए, यानी कि बर्फ में पकड़ बनाने के लिए, इन तीलियों को मैंने आगे से ऐसे चीरा देके कर लिया है। दुकानदार जो ठेला पे गोला बनाते हैं वो इसी प्रकार करते हैं। इनमें मैंने इन तीलियों को डाला, इसमें मैं बर्फ डालूंगी। इस बर्फ को हाथ से अच्छे से दबाना रहता है ताकि इसकी बर्फ के जितने भी कण हैं वो आपस में अच्छे से चिपक जाएं, जुड़ जाएं। गिलास का रूप लेते हुए ये गोला बर्फ का अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसमें हम मिलाते हैं अपना ये सिरप। कुछ सिरप ऊपर से भी डालना, थोड़ा सा फ्रेश टेस्ट देने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का रस, यानी कि लेमन जूस मिला रही हूँ। और हमारा ये काला खट्टा गोला तैयार। आप भी मजा लीजिए, आप बनाइए बच्चों के साथ, बच्चे खुद भी ट्राई करेंगे।
बच्चों को लुत्फ उठाने दीजिए इस काले खट्टे गोले का। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। काला खट्टा गोला तो हमने तैयार कर लिया, आइए तैयार करते हैं काला खट्टा सोडा वाटर। एक चम्मच मीठा खाने वाला सोडा गिलास में डाला। इसमें मैं 2 टेबल स्पून काला खट्टा सिरप डाल रही हूँ, जिसे मैं थोड़ा सा मिला रही हूँ। इसमें से डालेंगे नींबू का जूस। देखिए वैसे ही मैंने जूस डाला, इसमें झाग सी बननी शुरू हो जाती है, यानी कि नींबू सिरप और सोडा का रिएक्शन होता है। इनो जिसे कहते हैं, आप देसी फॉर्म सोडा और नींबू के जूस का ही होता है, वो झाग बननी शुरू हो गई। इसमें मैंने डाला ठंडा चिल्ड वाटर। दो चार आइस क्यूब डाल रही हूँ, इसको थोड़ा सा हिला लीजिए और फिर लीजिए हमारा काला खट्टा सोडा वाटर का। ठीक है, दिखाओ।